कश्मीर मुद्दे पर शाहिद अफरीदी ने किया एक और ट्वीट, तिरंगे की फोटो पोस्ट कर की ये अपील। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी द्वारा भारतीय कश्मीर के खिलाफ आग उगलने वाले ट्वीट के बाद कई लोगों ने अफरीदी की जमकर आलोचना की। अफरीदी ने लिखा, हम सभी का आदर करते हैं, लेकिन जब बात मानवाधिकार की आती है तो हम सभी अपने मासूम कश्मीरियों के लिए एक ही उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी द्वारा भारतीय अधिकृत कश्मीर के खिलाफ आग उगलने वाले ट्वीट के बाद कई लोगों ने अफरीदी की जमकर आलोचना की। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक और ट्वीट किया और लोगों से मानवता दिखाने की अपील की। साथ ही अपने एक फैन के साथ भारतीय तिरंगा लिए हुए एक तस्वीर भी साझा की। शाहिद अफरीदी ने लिखा, हम सभी का आदर करते हैं, लेकिन जब बात मानवाधिकार की आती है तो हम सभी अपने मासूम कश्मीरियों के लिए एक ही उम्मीद रखते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शाहिद अफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था, भारत अधिकृत कश्मीर में दुखद और चिंताजनक हालात हैं। वहां पर दमनकारी सत्ता द्वारा बेगुनाहों को गोली मारी जा रही है। इसका मकसद आत्मनिर्णय और आजादी की आवाज को कुचलना है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि यूनाइटेड नेशंस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहां हैं और ये संस्थाएं कत्ले आम रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? अफरीदी के इस ट्वीट को लेकर उनकी काफी आलोचना की जा रही है। वहीं भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी शाहिद अफरीदी को उनके इस ट्वीट को लेकर एक मजेदार जवाब दे डाला। गौतम गंभीर ने लिखा, अफरीदी के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन का मतलब अंडर 19 से है। उनके बयान से मीडिया को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को लेकर जब रिपब्लिक टीवी द्वारा शाहिद अफरीदी से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में बेवजह मासूमों को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान काफी समझदार देश हैं, तो वे क्यों इस मुद्दे को बैठकर आपस में नहीं सुलझाते? यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मामले में सबसे अहम यह है कि कश्मीरियों से पूछा जाए कि वे क्या चाहते हैं।